हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन वापस स्वागत है सभी का अपने चैनल के ऊपर मैं हूं सौरभ दईवतकर आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर आज वापस से आज वापस से सुबह सुबह हम लोग मिले हैं बी डबल ई के लिए राइट बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो अपना फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके लिए बच्चों राइट एंड एंड बच्चों के सी एल एंड के वी एल का जो न्यूमरिकल्स है जो प्रीवियस सेशन में मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था राइट बाबा के चार मंत्र मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे वो चारों के चारों मंत्र के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है आज हमें उसको पढ़ना है आज हमें उसको आगे बढ़ाना है आर यू गेटिंग माई पॉइंट उसके और कुछ न्यूमेरिकल्स देखना है लेकिन उसके पहले बच्चों उसके पहले मैं सभी को कहना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सभी को कहना चाहता हूँ फटाफट से लाइक कर दीजिए यार जितने तादाद में बच्चे देखते उतनी तादाद में लाइक नहीं करते हो यार आप फटाफट से लाइक कर दीजिए उसमें कंजूसी ना कीजिए लाइक करना है फटाफट से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर ज़रूर करना है फटाफट से अपने कॉलेज के ग्रुप में एडमिशन के ग्रुप में क्लास के ग्रुप में कट्टे के ग्रुप पे है ना अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं ना जनाब सब में शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर से अगर कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग में गया है दूसरी यूनिवर्सिटी में गांव से गया है तो उसको भी ये शेयर करिए क्योंकि सिलेबस सेम है यार दूसरे स्टेट से भी है तो भी सिलेबस सेम ही होने वाला है राइट एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसका ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं पहला सवाल आज के लिए ये थोड़ा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर का एक सवाल मैं आज वार्म के तौर पे लेना चाहता हूं एंड देन केवीएल के सेल का एक न्यूमेरिकल ठीक है जी ऐसा अपना पूरा होने वाला है तो कैलकुलेट कैलकुलेट बैटरी Battery current, battery current, and effective resistance and effective resistance of the circuit of the circuit. Bohat is other important vacho, of the circuit. is important. ठीक है डायग्राम थोड़ी सिस्टमेटिकली ड्रॉ करना थोड़ी अजीब डायग्राम है ये लो जी डायग्राम अच... अच्छे से ड्रॉ करो अच्छे से ड्रॉ करो डायग्राम को सिक्स ओम ये हो गया ट्वेल्व ओम ये हो गया फोर ओम यस बच्चों, सभी बच्चे फोर ओम राइट अनदर थिंग यहाँ पे बिल्कुल होने वाली है एट ओम एट ओम राइट जी यहाँ पे होने वाली है ट्वेंटी फोर वोल्ट ट्वेंटी फोर वोल्ट ओके जी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यार आज मैं अपने ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड टेलीग्राम चैनल पे मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक अप्लाइड मैथ्स वन का टेक्स्ट बुक मैं अपलोड करने वा, करने वाला हूँ तो फटाफट से जिन्होंने अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है झट से ज्वाइन कर लीजिए फट से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये टेक्स्ट बुक अगर आप बाहर खरीदने जाते हो तो इट विल कॉस्ट अबाउट 550 फिफ्टी सिक्स हंड्रेड लेकिन इस बाबा की दरबार में वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में एब्सुलटली विथ नो कॉस्ट ओके क्योंकि मिशन विजन और गोल सभी को पता है घटिया इंजीनियर्स नहीं बनाना है हमें हमें हाँ ताकतवर इंजीनियर्स बनाना है कमॉन चलिए चलिए हर घर दिया लगेगा अभी हर घर दिया लगेगा कमॉन यस एवरी वन सो दिस इज वॉट द सर्किट दिस इज वॉट द सर्किट बच्चों कैलकुलेट द बैटरी करंट एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस अभी थोड़ा ध्यान से देखना इस सर्किट को यार ये ये क्या है वॉट इज दिस दिस इज वॉट द जम्पर जम्पर मतलब क्या वॉट इज जम्पर दिस इज सपोज वन वायर अगर मैंने दूसरा वायर ऐसे डाल दिया मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या हो गए कनेक्ट हो गए दोनों दो वायर एक दूसरे को क्या हो गए कनेक्ट हो गए लेकिन उसी जगह मैंने दूसरी वायर ऐसे डाल दी लाइक like दस तो ये इसको कहते हैं जंपर जंपर मतलब जंप मार के मतलब ऊपर से गया वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है आर यू गेटिंग माई अपॉइंट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ने लायक है कि यार ये जंपर है राइट right? तो इसको बिल्कुल भी आपको अलग कनेक्शन की तौर पर ट्रीट करना है ओके okay, तो इसी डायग्राम को मैं वापस रिड्रॉ ज़रूर कर सकता हूँ रीड्रॉ जरूर कर सकता हूँ तो मैं स्टेप वन पहले कर देता हूँ इस डायग्राम को रिड्रॉ कर देते हैं इन विच वे इन विच वे बच्चों ये देखिए देखिए तो सही मैं डायग्राम को कैसे रिड्रॉ कर रहा हूँ कमा कमॉन कमॉन यहाँ पे ये तो सर्किट ऐसे होना ही है ये ऐसे होना है ठीक है जी ऐसे होना है ठीक है ऐसे कनेक्शन तो होना ही है यहाँ पे बिल्कुल भी राइट यहाँ पे होनी है यहाँ पे होनी है 24 फोर वोल्ट की बैटरी बिल्कुल सही जवाब अब यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन मुझे दे देना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सिर्फ क्या है कनेक्शन है सिर्फ एक वायर है जनाब अभी आप बोलोगे सिर्फ 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 वायर है तो उसको इग्नोर कर दीजिए नहीं जी वायर को आप सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते आपको क्या करना पड़ेगा वो कनेक्शन को दिखाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में उस कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि यार वो कनेक्शन मतलब क्या वहाँ से करंट फ्लो हो सकता है दैट इज अ सिंपल वायर वहाँ से करंट फ्लो हो सकता है एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन वही किया मैंने राइट right? अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर से एरो बताना चाहता हूँ ये एक ये एक बिल्कुल करंट है है ना यहाँ से एक करंट पास हो रहा है ओके okay, कर दिया कर दिया कर दिया देखिए यहाँ पे पास हुआ यहाँ पे पास हुआ वापस से यहाँ पे चला गया इधर एक गया इधर एक गया मतलब दिस एट ओम का जो करंट है वो क्या हो रहा है यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है मतलब एट ओम एंड सिक्स ओम ये दोनों क्या हो गए जहाँ पे स्प्लिट होता है करंट वो दोनों क्या हो जाते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं पैरल में हो जाते हैं बिल्कुल एट और सिक्स किस में हो गया पैरेलल में हो गया फोर और ट्वेल्व किस में हो गया वापस से देखिए देखिए यहाँ से फोर पे एक करंट भी जाएगा ना तो फोर पे गया तो फोर पे यहाँ तक आया तो ट्वेल्व का आधा गया इधर से आधा गया इसका मतलब क्या फोर और ट्वेल्व दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए पैरेलल में हो गए क्या हो गए पैरेलल में हो गए तो मेरा स्टेप वन में अभी आपको क्या करना है ऑन क्या करना है देर फोर रजिस्टर्स 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 एट ओम एंड ट्वेल्व ओम आर इन पैरल आर इन पैरल ठीक है जी देफ और मैं इनका आर वन निकालना चाहता हूँ तो एट पैरल विथ ट्वेल्व मतलब एट इन टू ट्वेल्व अपॉन एट प्लस ट्वेल्व कैलकुलेशन आज आप करने वाले हो मैंने पहले ही कहा था आज कैलसी लेके बैठना यार चलो बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है चट से बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है फटाफट पड़ से एवरी वन एवरी वन कम कमान कमान एट पैरल विथ ट्वेल्व यस बच्चो एट पैरल विथ ट्वेल्व कितना आ रहा है आंसर फटाक से बता देना यार एट पैरल विथ ट्वेल्व कितना आ रहा है ओ ओ ओ ओ ओ ये सिक्स 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 होने चाहिए एट इज पारल विथ सिक्स होना चाहिए अमेजिंग अमेजिंग ये मेरे से गलती हो गई यार दिस इज माई मिस्टेक एट इज़ पार्लल विद सिक्स मैंने लिखते समय दिखाते समय सही दिखाया लिखते समय गलती कर दी देखो ऐसी गलतियाँ होती है जनाब ओके okay, तो एट इंटू सिक्स अपॉन एट प्लस सिक्स कितना हो रहा है कितना हो रहा है सिमिलरली ऑल्सो यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ ऑल्सो रजिस्टर्स ठीक है फोर ओम एंड ओम आर इन आर इन पैरेलल पैरेलल चलिए बताइए आंसर कितना आ रहा है यस एवरी वन एवरी वन कमॉन सभी बच्चे बताओ तो सही आंसर कितना आ रही है फोर इंटू ट्वेल्व अपॉन फोर प्लस ट्वेल्व कमऑन कितना आ रहा है कितना आ रहा है ये फोर्टी एट अपॉन फोर्टीन कितना आ रहा है ये फोर्टी एट अपॉन सिक्सटीन कितना आ रहा है चलो 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 सभी बच्चे ये तो थ्री हो सिक्सटीन थ्रीजा ना सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट ये तो सही जवाब ये बताइए फोर्टी एट अपॉन फोर्टीन कितना आ रहा है बच्चों बोलो तो सही यस अमेजिंग इट्स 3.43 ओम 3.43 ओम तो मुझे R1 वन एंड आर मिल गया व्हाट इज योर R1 वन एंड आर ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है उनको पैरेलल में दिखाने के बाद मुझे ये दोनों रजिस्टर मिल चुके तो मेरी अभी डायग्राम कैसी दिखेगी ये मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा चलिए स्टेप टू की ओर जाते हैं स्टेप टू यस 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 स्टेप टू बताओ बताओ स्टेप टू क्या होने वाला है स्टेप टू बताओ क्या होने वाला है यहाँ पे डायग्राम को रिड्रा करता हूँ चलो डायग्राम को रिड्रा करता हूँ यहाँ पे अच्छा जी यहाँ पे नहीं इधर कोने में करेंगे एक सिस्टमेटिकली मेंटेन रखेंगे इधर करेंगे चलो डायग्राम को तो ये हो गई यहाँ पे ठीक है जी यहाँ पे ये यह अपनी डायग्राम यहाँ पे ये यह अपना एक रजिस्टर ये तो ऐसा कनेक्शन है ही है ठीक है ये बाहर की वायर हाँ जी ये बाहर की वायर इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस वजह से आप डायरेक्टली स्क्वायर दिखाया तो भी चलेगा कोई इशू नहीं है वो मैंने बस समझना चाहिए इसके लिए ऐसे दिखाया है तो कोई टेंशन नहीं आप डायरेक्टली स्क्वायर बता दो ओके जी तो दस इज़ वॉट थ्री ओम दस इज़ वॉट थ्री पॉइंट फोर थ्री ओम राइट जी ओके अब आगे ये ट्वेंटी फोर वोल्ट की यहाँ पे बैटरी होने वाली है अब बताइए अब बताइए यहाँ से करंट गया तो ये 3.43 पे गया और 3 पे गया मतलब क्या हो रहा है स्प्लिट हो रहा है मतलब अगेन अगेन रजिस्टर्स रजिस्टर्स 3.43 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन पैरल देर फोर ऑन आर इक्वालेंट आर इक्वालेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आया है ये मुझे देखना है ठीक है तो आर इक्वालेंट कितना आया बच्चों आर इक्वालेंट कितना आया कमॉन 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 थ्री पॉइंट फोर थ्री इज पैरल विथ थ्री अमेजिंग अमेजिंग चलो 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 3.43 पॉइंट फोर थ्री इंटू थ्री हो गई अपॉन थ्री पॉइंट फोर थ्री प्लस थ्री हो गई क्या बात है अभी ये तो कैलकुलेशन आपको बनता है यार कमोन ये तो कैलकुलेशन आपको करना है जनाब चलो फटाक से बताओ कैलसी में डालना है यार कैलसी में डाल के आंसर निकालिए फटाक से मैंने पहले ही कहा था कैलसी लिख के बैठना यार कैलसी लिख के बैठना ऑन दिस आंसर दिस आंसर इज आई थिंक वन पॉइंट सिक्स ओम तेर फोर आर इक्वाल आर इक्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स ओम हो गया ग्रेट 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 वन पॉइंट सिक्स ओम हो गया चलो 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 तो अभी स्टेप थ्री करंट फाइंड आउट करनी है ना तो बाप ने तो कहा था अपने को कौन है बाप ओम स्लॉ बिल्कुल सही पकड़े बाप कौन है ओम स्लॉ है तो ये हो गई वोल्टेज और यहाँ पे हो गई ये एक रजिस्टर ओके okay, जी रजिस्टर की वैल्यू आर इक्वालेंट आर इक्वालेंट कितना है 1.6 है ये कितना है 24 वोल्ट है 24 वोल्ट है जनाब ओके जी तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यस बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कम कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बताइए V इज इक्वल टू आई आर होता है तो वी है अपने पास 24, I आई तो वैसे के वैसे आर इज नथिंग बट 1.6, Therefore i ki value ho gayi 24 upon 1.6 which is equal to yes bachcho 24 upon 1.6 answer is 15 amperes amazing therefore आई इज़ इक्वल टू फिफ्टीन एम्पियर्स यहाँ पर मुझे आंसर मिल चुका है दो आंसर चाहिए थे आर इक्वलेंट चाहिए था और मुझे चाहिए था करंट थ्रू द सर्किट दोनों के दोनों आंसर्स मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए है कमौन यो यो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में एवरी वन कमौन सभी बच्चों से यो यो चाहिए मुझे यो यो बनता है क्योंकि ये सवाल सीरीज एंड एंड टेक्निक टेक्निका बिल्कुल वार्म अप के तौर पे अपन ने लिया था यार बिल्कुल वार्म अप के तौर पे क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ के और के के और अभी मैं जाने वाला हूँ के और के की ओर चलो 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 मचाओ यस yes, बच्चो मचाना है अभी हमें कम ऑन आगे बढ़ू चलिए के और के का न्यूमेरिकल जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो वो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा डिटरमाइन द करंट थ्रू डिटरमाइन द करंट करंट थ्रू यस बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान से लिखना है करंट थ्रू ट्वेंटी ओम रेजिस्टर काफी बार ये क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी या नागपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है हाँ इसके लिए क्वेश्चन लिया मैंने थोड़े बहुत वैल्यू इधर का उधर हुआ है सर्किट यही था सर्किट यही था ओके ट्वेंटी ओम रजिस्टर रजिस्टर इन द सर्किट इन सर्किट शोन ओके जी अब देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे सर्किट कैसा बनाया गया बनाया इस तरीके से यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया चलो बच्चों, मचाओ यहाँ पे बिल्कुल ताकत के साथ भरपूर ये सर्किट बना दो बना दो ये सर्किट और बता दो इस बाबा को आंसर क्या होनी है फटाफट से इक्वेशन भी बतानी है आपको सर्किट का हर एक लूप का एक इक्वेशन होता है। यस, yes. ग्रेट जी ग्रेट ग्रेट यहां तक तो मुझे आ गई अभी मैंने वैल्यू लिखनी है अब मैं यहां पे वैल्यू लिख रहा हूं सभी सभी रजिस्टर्स का कमान 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 यहां पे होना है 45 फाइव वोल्ट यहां पे होना है 10 ओम चलो मैं सर्किट है ना पहले से ही क्यों बना के नहीं रखता हूँ पता है आपको क्योंकि यार जब मैं ड्रॉ करूँगा तभी तो आप ड्रॉ करोगे मैंने पहले से ही रख दिया तो आप कंटाला करोगे ड्रॉ करने के लिए तो मैं भी उतनी मेहनत ले रहा हूँ जितना आपको लेनी चाहिए तो यार कमॉन कम ऑन कम कम इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए आपको तो मेहनत लेनी ही पड़ेगी ये है पूरा सर्किट अपना ये है पूरा सर्किट अपना और यहाँ पे देखना है हमें कि यार कैसे के लगाया जाए कैसे सर्किट के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट किया जाए और कैसे 20 ओम के अक्रॉस का मेरे को करंट फाइंड आउट करना है चलिए कैसे करेंगे कैन यू प्लीज टेल मी फटाक से बता दो यार फटाक से एवरी पहले तो एक काम करो पहला लॉ क्या था पहला बाबा का मंत्र क्या था बाबा का पहला मंत्र करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन करवा दिया मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो तो ये हो गई आई वन यहाँ पर हो गई आई टू यहाँ पर हो गई आई थ्री चलो 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 मचाया मैंने मैंने मचाया अब सेकेंड क्या है सेकेंड क्या है चेक करो बैटरी बैटरी को चेक करो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मैंने कहा था मैंने कहा था कल के सेशन में कहा था सुनना चाहते हो तो देखिए देखिए लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इज इक्वल टू बैटरी इज टेकन एज पॉजिटिव अच्छा पॉजिटिव ई मतलब बैटरी को ई e कंसीडर किया और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दैट इज़ नथिंग बट नेगेटिव ई दैट इज नथिंग बट नेगेटिव ई ये अपन ने ऑलरेडी किया है बच्चों तो यह आप पेज के ऊपर वाले सेक्शन में जरूर लिख के लेना ताकि जब भी आप ये सम्स को रिवाइज करोगे बड़ा मज़ा आएगा बड़ा मज़ा आएगा राइट जी चलिए चलिए आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ अब बैटरी तो हो गई अब बारी है साइंस देने की साइंस देना है मुझे राइट तो ये पॉजिटिव है बैटरी का ये नेगेटिव है बैटरी का राइट ये बिल्कुल है मैंने एक मंत्र बताया था कमऑन मंत्र बताया था कि मंत्र क्या था सेम कॉम्पोनेंट डिफरेंट टर्मिनल डिफरेंट कॉम्पोनेंट सेम टर्मिनल कम ऑन मेरे साथ सेम कॉम्पोनेंट डिफरेंट टर्मिनल डिफरेंट कॉम्पोनेंट सेम टर्मिनल बिल्कुल सही जा रहे बड़े ध्यान से सुनो अभी मैं क्या कह रहा हूँ यार ये जो बैटरी है यहाँ पे जो रजिस्टर दिख रही है हमें यार इसमें क्या करना चाहिए हमें पहले ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो कितने बैटरी दिख रहे हैं मुझे तीन बैटरी दिख रहे हैं तो कोई भी एक बैटरी को आप कंसीडर कीजिए और वो एक बैटरी का जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग पूरे सर्किट को साइन देना शुरू करो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देना शुरू करो बाकी दोनों बैटरी को इग्नोर मारो क्या कह रहा हो सच में कह रहा हूँ बाकी दोनों बैटरी को क्या करो इग्नोर मारो इक्वेशन लिखते वक्त तो हमें लेना ही पड़ेगा उनको लेकिन अभी साइंस देते वक्त उनको इग्नोर मारो समझ तो रहे हो तो मैंने 45 को कंसीडर किया 120 और 20 को इग्नोर मार दिया ठीक है मतलब वो है ही नहीं ऐसे ट्रीट करो वो है ही नहीं वहां पे ठीक है तो ये प्लस हो गई तो ये प्लस हो गई तो, यह हो गई, तो यहाँ पे देखो बैटरी इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर बैटरी इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर मतलब डिफरेंट कॉम्पोनेंट का कौन सा टर्मिनल सेम टर्मिनल तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए देखो सेम टर्मिनल राइट है जी अभी देखो रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर हियर इट सेल्फ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू रजिस्टर मतलब क्या सेम कॉम्पोनेंट का डिफरेंट टर्मिनल मतलब यहाँ पे होनी चाहिए पॉजिटिव यहाँ पे होनी चाहिए नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट कॉम्पोनेंट हो गया हो गया अभी आप कहोगे सर फिर आई थ्री और आई टू के लिए क्या देखो आई टू के लिए क्या करने का रहता है मैंने कल ही कहा था आई वन कैसे रहा है ऊपर से नीचे राइट right? और आई टू नीचे से ऊपर मतलब दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इनका साइंस को उल्टा करना पड़ेगा तो ये पॉजिटिव है हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा बैटरी को इग्नोर मारनी है ये नेगेटिव है वापस रजिस्टर की ओर जाएंगे सेम कॉम्पोनेंट डिफरेंट टर्मिनल तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एनी कन्फ्यूजन बच्चों वापस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ठीक है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव वापस I3 थ्री अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना यार I3 थ्री अपोजिट डायरेक्शन में हो गया समझ रहे हो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वापस से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन प्लीज लेट मी नो सारे साइंस आपको समझे है क्या फटाफट से बताओ सारे के सारे साइंस आपको समझे है क्या किसी को अगर आंसर मिल गया है ना तो काफ़ी अच्छी बात है आपको आंसर फटाफट से मिल रहा है ये बढ़िया खुशी की बात है अपने लिए लेकिन अगर किसी को आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो प्लीज टेल मी प्लीज टेल मी क्या आपको इक्वेशन समझ में मतलब क्या आपको ये साइंस समझ में आया इक्वेशन तो मैं बताऊंगा आपको इक्वेशन तो बिल्कुल मैं बताऊंगा लेकिन क्या आपको ये साइंस समझ में आया ऑन हाँ तो यो यो बनता है कम ऑन एवरी वन हाँ तो मुझे ही चाहिए यो यो ऑन एवरी वन बच्चो कम ऑन चलिए देर फॉर यहाँ पे अप्लाई अप्लाई के वी एल टू लुप वन टू लुप वन ओके जी लूप वन के लिए क्या करना है के वी एल अप्लाई करना है बिल्कुल अभी देखो लूप वन में के वी एल अप्लाई किया तो कैसे करने का कैसे करने का राइट right? देखो पहली तो बात ये है कि यार बैटरी को चेक करो बैटरी कैसे जा रही है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल राइट जी मतलब बैटरी क्या होनी चाहिए बैटरी क्या होनी चाहिए पॉज़िटिव होनी चाहिए तो प्लस फोर्टी फाइव यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस फोर्टी फाइव आपसे फोर्टी फाइव लिखा तो भी चलेगा कोई इशू नहीं है रजिस्टर में से कल मैंने कहानी बताई थी कि मेहमान आया उसको अपने खुश किया तो वो पॉजिटिव बन के बाहर जाता है और बाहर दस लोगों को पॉजिटिव ही बताता है लेकिन वही मैन मेहमान से अपने पैसे लेके खुद ही समोसा खाया है ना खुद ही समोसा खाया तो वो नेगेटिव बन जाएगा उसके मन में है ना बिल्कुल गुस्सा आ जाएगा तो वो नेगेटिव चीज़ें बाहर लोगों को बताया बताएगा आपके बारे में तो जिस टर्मिनल से जिस मन से ये करंट बाहर जाता है वही साइन वो देता है है ना तो देखिए ये आई वन ऐसे घुमा 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 और इस नेगेटिव से बाहर आया है ना कौन है आई वन है नेगेटिव से बाहर आया तो जनाब नेगेटिव से बाहर आया तो कौन सी साइन देगा माइनस ऑफ ट्वेंटी आई वन ट्वेंटी क्यू आई इंटू आर होता है ना तो आई तो लिखा आर मतलब मेरा रजिस्टर देखो कितने बेसिक से जा रहे हैं हम राइट right? वही रजिस्टर से एक और करंट फ्लो हो रहा है बच्चों वही रजिस्टर से एक और करंट फ्लो हो रहा है कौन सा आई टू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है आई टू करंट फ्लो हो रहा है तो आई टू उल्टे 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 तरीके से जा रहा है मतलब पॉजिटिव से बाहर जाएगा ना देखो ना ये ये साइंस मत कंसिडर करो क्यों क्योंकि ये सारे साइंस किसके हैं ये सारे साइंस है अपने नेक्स्ट लूप के लिए मुझे अभी कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा आई वन वाले लूप के लिए आई वन वाले लूप के लिए आई टू के लिए बाद में करेंगे आई टू के लिए लूप टू के लिए करेंगे ठीक है तो यहां पे देखिए देखिए आई टू कैसे फ्लोर है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो प्लस ट्वेंटी आई टू करवा दिया ठीक है सिमिलरली टेन के लिए करते चलो माइनस टेन आई वन हो गई क्योंकि माइनस से बाहर आ रहा है उसी में से आई थ्री भी फ्लोर है तो प्लस टेन आई थ्री हो गई विच इज इक्वल टू जीरो हो गई बच्चों एनी कन्फ्यूजन एनी कन्फ्यूजन यार फटाक से बता दो मुझे कुछ भी डाउट है क्या इसमें यस एवरी वन कुछ भी डाउट है क्या इसमें फटाफट से बताओ फटाफट से बताओ ग्रेट 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 चलो 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 फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अभी नेक्स्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देता हूँ ताकि सब बच्चे खुश हो जावे है ना तो माइनस ट्वेंटी माइनस टेन तो माइनस थर्टी आई वन माइनस थर्टी आई वन प्लस ट्वेंटी आई टू प्लस टेन आई थ्री विच इज इक्वल टू ज़ीरो सो दिस इज वॉट योर इक्वेशन नंबर वन ठीक है अप्लाई अप्लाई के वी एल टू लुप टू टू लुप टू ओके जी सेकेंड लूप के लिए के वी एल अप्लाई करेंगे ठीक है जो साइंस दिया है वही साइन के अकॉर्डिंग के वी एल अप्लाई करेंगे नया कुछ भी नहीं ठीक है ट्वेंटी से ही शुरुआत करते चलो ट्वेंटी में ट्वेंटी में ये जो मेरा करंट जा रहा है आई टू ओके जी ट्वेंटी में ये जो मेरा करंट जा रहा है आई टू वो करंट कहाँ से बाहर जा रहा है देखो ना ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव से बाहर जा रहा है समझ रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव में बाहर जा रहा है तो है मेरा साइन क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा क्या साइन रहेगा मेरा नेगेटिव साइन रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाँ हाँ माइनस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव यहाँ पर आना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल रागीनी जी माइनस फोर्टी फाइव यहाँ पर आना चाहिए बराबर है फोर्टी फाइव मैं भूल गया था राइट जी इसके बारे में बात करते चलो ट्वेंटी के बारे में तो ये हो गई माइनस ट्वेंटी आई टू ओके जी और आई वन जो है वो उल्टा जा रहा है देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं राइट ऊपर से नीचे आएगा तो कैसे आएगा तो प्लस ट्वेंटी आई वन क्योंकि आई वन करंट फ्लोर है ना नेक्स्ट वन अब बैटरी की सोचो बैटरी की सोचो बैटरी में ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे ठीक है ना ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो माइनस वन ट्वेंटी होना चाहिए क्या होना चाहिए माइनस वन ट्वेंटी होना चाहिए अब ये फिफ्टीन के बारे में सोचो फिफ्टीन में अकेला एक करंट फ्लो हो रहा है आई टू आई टू अकेला फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव तो यहाँ पे माइनस फिफ्टीन आई टू होना चाहिए ओके जी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं माइनस माइनस देखो जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं अभी तो ध्यान देना ही देना है बट जैसे ही सेशन एंड हो जाएगा आपको पहले से सेशन को देखना है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाए नहीं समझ रहा है रिवाइंड करो नहीं समझ रहा है रिवाइंड करो दो चार बार देखो तब जाके इसको समझ पाओगे ठीक है चलो इस फाई के बारे में सोच रहे हैं हम लोग फाई में देखो आई टू ऐसे जा रहा है कैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है राइट right जी ऐसे जा रहा है मेरा आई टू तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो माइनस फाइव आई टू लेकिन उसी में से आई थ्री भी तो फ्लो हो रहा है यार आई थ्री ऐसे जा रहा है देखो आई थ्री ऐसे आ गया और ऐसे गया मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव तो आई थ्री को क्या लेना चाहिए ऑब्वियसली प्लस फाइव आई थ्री विच इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए ओके okay जी अब इसको सिंपलीफाई करते चलो आई वन वाले कितने बंदे हैं अकेला है ट्वेंटी आई वन अकेला है ट्वेंटी आई वन आई टू वाले चेक करो माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी और ये माइनस ट्वेंटी मतलब माइनस फोर्टी आई टू ओके जी और आई थ्री वाले कितने बंदे हैं आई थ्री वाला ये अकेला बंदा है प्लस फाइव आई थ्री और वन ट्वेंटी उस साइड पे एडजस्ट करवा दिया तो वो वन ट्वेंटी प्लस हो गया दिस इज़ वॉट योर इक्वेशन नंबर टू देखो कितना सिस्टमैटिकली हम लोग जा रहे हैं यार कितना सिस्टमैटिकली हम लोग जा रहे हैं एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन चलिए लूप थ्री के लिए भी लिख देते हैं फटाक से लूप थ्री के लिए भी लिख देंगे ऑन आपके साइड से मुझे जवाब चाहिए यार लूप थ्री के लिए मुझे चाहिए जवाब आपके साइड से बच्चों कम ऑन आपके साइड से मुझे जवाब चाहिए फटाफट से बता दो यस 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 फटाफट से फटाफट से बता दो ऑन मैं वेट कर रहा हूँ आप लिखो आप लिखो के वी एल टू लूप थ्री अप्लाई के वी एल टू लूप थ्री इसको लिख के लो अच्छे से ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से लिख के लो ओके okay, अब मैं जाता हूँ लूप थ्री के लिए तो यहाँ पे अप्लाई अप्लाई के वी एल टू लूप थ्री टू लूप थ्री यस बच्चों अप्लाई के वी एल टू लूप थ्री लूप थ्री के लिए केवीएल अप्लाई करेंगे कैन यू प्लीज टेल मी क्या आने वाला है यस yes, बच्चों क्या आने वाला है बिल्कुल सही पकड़े हो चलो 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 बताओ फटाफट से बताओ फटाफट से टेन में टेन पहले टेन के बारे में सोचो टेन में क्या हो रहा है टेन में क्या हो रहा है आई थ्री नेगेटिव से बाहर जा रहा है है ना डायग्राम तो निकालिए आपने डायग्राम में देखिए तो माइनस टेन आई थ्री होनी है प्लस टेन आई टू होनी है क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है आई टू राइट जी माइनस फाइव आई थ्री होनी है चेक तो करो मैंने टेन के बारे में बात कर दी मतलब इसके बारे में बात कर दी है ना अभी फाइव के बारे में बात कर रहे हैं हम अच्छा वहाँ पे आई वन आना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आई वन आना चाहिए ओ हो दिस इज़ वॉट योर आई वन दिस इज़ वॉट योर आई वन अभी फाइव के लिए आई थ्री प्लस फाइव आई टू प्लस फाइव आई टू ठीक है और जो फाइव है वो अकेला बनेगा वहाँ पे तो माइनस फाइव आई थ्री एक अकेला आई थ्री बनेगा और ट्वेंटी जो है अब ट्वेंटी के बारे में सोचिए बच्चों ट्वेंटी नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि यार यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव ट्वेंटी मैंने यहाँ पर करवा दिया देयरफॉर इसको सॉल्व करते समय टेन आई वन I2 का देखिए कितना आ रहा है प्लस फाइव आई टू फाइव आई टू ओके आई थ्री के लिए सोचिए दस दस दो है ठीक है दो है तीन है तो माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव तो माइनस ट्वेंटी आई थ्री हो गई और विच इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी दिस इज वॉट योर इक्वेशन नंबर थ्री सॉल्विंग दीज इक्वेश दीज इक्वेशन ओके सॉल्विंग दीज इक्वेश मतलब इक्वेशन वन टू एंड थ्री को अच्छे से सॉल्व किया तो सॉल्व कैसे करना है कैलसी में पुट करना है आपको आप क्रेमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो कैलसी में पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे सॉल्व करिए तो मैं हर एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल भी फटाफट से यार कैलसी में कैसे डालना है कैलसी में आपको डाल के बताने वाला हूँ मैं मोड़ में जाके मैट्रिक्स मोड होता है सिक्स नंबर का बटन आपको दिखेगा वहाँ पे कौन से नंबर का सिक्स नंबर का ठीक है जी पहला इक्वेशन क्या है देखो ध्यान से देखो ध्यान से पहला इक्वेशन क्या है ये वच ऑफ वॉट इज योर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल 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 ये सारे इक्वेशंस आपको पुट करने हैं माइनस थर्टी ट्वेंटी टेन माइनस थर्टी ट्वेंटी टेन कोई बच्चा बोलेगा सर इसको सिंप्लीफाई किया तो चलेगा क्या बिल्कुल चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकेंड इक्वेशन देखो ट्वेंटी माइनस फोर्टी फाइव ट्वेंटी माइनस फोर्टी और फाइव इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो थर्ड इक्वेशन देखिए टेन फाइव माइनस ट्वेंटी ओके जी और ये इसको क्लोज़ करवा दिया इधर लिख दिया आई वन आई टू एंड आई थ्री ओके आर एच एस बताइए आर एच एस बताइए हर एक चीज़ का हर एक चीज़ का आर एच एस बताइए कम ऑन फर्स्ट का आर एच एस कितना था माइनस फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव वन ट्वेंटी तो माइनस फोर्टी फाइव इधर लिखना है वन ट्वेंटी इधर लिखना है और माइनस ट्वेंटी इधर लिखना है इतना सिंपल है जनाब इतना सिंपल है बच्चों ठीक है अब ये सारे के सारे इक्वेशंस आपको क्या करने हैं सारे के सारे इक्वेशन्स क्या करने हैं अच्छा प्लस फाइव आई टू कह रहे हैं लिख तो दिया जनाब लिख दिया रागिनी जी लिख दिया अच्छा बरोबर लिखा है अपन ने बरोबर लिखा है यस 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 तो इन सारे इक्वेशन्स को आपको क्या करना है कैलसी में डालना है कैलसी में डाल के इसको सॉल्व करिए कैसे डालना है मैं कैलसी लेके आने वाला हूँ अभी भी बहुत लोगों ने कैलसी खरीदा नहीं है कल मुझे सात से आठ लोगों का मैसेज आया था सात ता आठ लोगों का मैसेज आया था मुझे सर कौन सा कैलसी लूँ तो मैंने उनको अभी बताया है वो आज कल में खरीदेंगे तो कमिंग वीकेंड में मैं उसका सेशन रखने वाला हूँ कि कैलसी में वो सारे मैट्रिक्स सब्सटीट्यूट कैसे करते हैं फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता के रखता हूँ तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो यार आप इसको बिल्कुल सॉल्व करना ओके मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ आंसर भी नहीं बताता होता ताकि आप मेहनत करो थोड़ी सी आप मेहनत करो थोड़ी सी ठीक है जी और ट्वेंटी ओम के एक्रॉस का मुझे करंट चाहिए ठीक है जी तो जब 20 ओम के अक्रॉस का मुझे करंट चाहिए है देर फोर उसको ऐसे लिखते हैं करंट थ्रू 20 ओम विच इज इक्वल टू आप आई वन माइनस आई टू बोल सकते हो या फिर आई टू माइनस आई वन बोल सकते हो जो भी आपको ठीक लगे क्यों क्योंकि आई वन और आई टू के बीच में देखो बीच में दैट इज़ अ कॉमन रेजिस्टर तो आप आई वन आई टू आई वन माइनस आई टू बोल सकते हो या आई टू माइनस आई वन भी बोल सकते हो राइट तो बिल्कुल आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए क्या आंसर आता है मुझे बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में राइट तो ये न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से देखना काफ़ी टाइम लगता है KVL, KCL के वी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बट इसी को हम लोग कहते हैं मेश एनालिसिस मेश एनालिसिस ओके यही है अपना मेश एनालिसिस इसके ऊपर एक और सेशन में कंडक्ट करता हूँ लेकिन कल नहीं परसों नहीं डायरेक्टली ऑन संडे डायरेक्टली ऑन संडे बड़ा सेशन रहेगा डेढ़ से दो घंटे का क्योंकि यार उसमें आपको समझ में आएगा

फटाफट से जिन्होंने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है फटाक से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज मैं वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ मैथ्स वन का टेक्स्ट बुक की पीडीएफ कॉपी सिर्फ आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट राइट तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आपके पास राइट right? और और शेयर करना है यार अपने फ्रेंड्स लोग के साथ फटाफट से आप शेयर नहीं कर रहे हो फटाफ से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी टेक्स्ट बुक मिल जाए आपकी नज़र में ऐसा कोई फ्रेंड है जिसको यार बहुत ज़रूरत है वो खरीद नहीं पा रहा है टेक्स्ट बुक वो आपसे मांग रहा है कि यार फोटो भेज ये भेज उससे बेहतर उसको बोलो कि ग्रुप ज्वाइन कर सारे टेक्स्ट बुक तेरे को मिल जाएंगे एक एक टेक्स्ट बुक अपलोड करने वाला हो सारे टेक्स्ट बुक है मेरे पास सब कुछ अपलोड करूँगा ओके एंड अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया ना गुना बहुत बड़ा पाप घनघोर पाप हो जाएगा बाबा जी फटाक से लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया रहेगा उनके लिए तो आज रात को टुडे एट 9 पी एम वापस हमें मिलना है मैथ्स वन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हाइपर के सम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर ही अपने इंजीनियरिंग करियर के इसके लिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ठीक है जैसे जैसे सेकेंड चैप्टर की ओर जाएंगे तो फटाफट आगे बढ़ेंगे ठीक है लेकिन कल बी डब्ल ई का सेशन नहीं होगा अब डायरेक्टली होगा संडे को अब डायरेक्टली होगा संडे को कल और परसों बी डब्ल ई का सेशन नहीं होगा मैथ्स वन का ज़रूर होगा मैथ्स वन का ज़रूर होगा ठीक है जी तो मिलते हैं आज रात को नौ बजे मैथ्स वन के सेशन में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस